अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आई एम डॉक्टर मैविश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल वेयर वी टॉक अबाउट कैलोरी काउंटेड फूड एंड टिप्स एंड सजेशंस फॉर योर वेट लॉस जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूँ, वो है इंटरमीडियंट फास्टिंग। और इंटरमीडियंट फास्टिंग कैसे करनी है और इंटरमीडियंट फास्टिंग में आपने क्या क्या खाना है। मेरी वीडियोज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कभी कभी कमेंट किया है कि इनको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता या कि इतना ज़्यादा खाना खाने से वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ेगा। सो आई वांट टू एड्रेस दीज टू थिंग्स मेनली कि आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग है क्या। जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर करती हूँ वो साइंटिफिकली प्रूवन है, उस पर साइंटिफिकली रिसर्च हुई है। आई रीड अ लॉट ऑफ लिटरेचर और उसके बाद मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। आई हैव सीन मैनी यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो कि रैंडम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो आपकी आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देती। उससे आपका वज़न ड्रास्टिकली कम होता है और उसको आपका वज़न कम करने के अलावा आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो आपने अवॉइड करना है। आपने अपना वज़न कम करना है, इसके साथ साथ आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है कि आपकी हेल्थ किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं। वज़न कम करने फाके करने से भी वज़न कम हो जाता है, तो आपने वो नहीं करना। सो बेसिकली इंटरमीडियंट फास्टिंग है क्या? इंटरमीडियंट फास्टिंग बहुत ईजी साइंस है कि आपने अपने दिन के अंदर रूटीन जो 24 घंटे होते हैं उसके अंदर कुछ आपने विंडो ऐसी रखनी है जिसमें आपने कुछ नहीं खाना, और कुछ विंडो ऐसी रखनी है जो आपने सब कुछ खाना है। इट्स जस्ट लाइक रोज़ा के, जिससे हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन रोज़ा क्योंकि स्ट्रिक्ट होता है उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें हैं, जब आपने नहीं कुछ खाना, मतलब आपकी फास्टिंग की स्टेज है, रोज़े की स्टेज है, उसमें आपने पानी पी लेना है। इसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें कैलोरी नहीं है। सो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आपको वैसे ही स्टमक का प्रॉब्लम है, तो ब्लैक कॉफ़ी अवॉइड करें। आप सिर्फ पानी पिएं, उस दौरान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लें जिसके अंदर कैलोरीज होती हैं। तो नॉर्मली आपने उस दौरान कुछ नहीं खाना, जो आपके खाने की विंडो है, जो आपकी ईटिंग विंडो है, वो उसमें आपने उतना खाना है जो आपकी कैलोरीज जो है आपके अकॉर्डिंग टू योर वेट, आपने पहले वो निकाल लेनी है कि आपके कितना वेट है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। अगर आप अपनी कैलोरी आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो आपका वेट ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। अगर आप अपनी कैलोरीज ड्रास्टिकली कम करेंगे, एकदम ही कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करने लग जाएंगे, तो आपका वज़न कम होगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, प्लेटू आ जाएगा, उसके बाद आपका वज़न फर्दर कम नहीं होगा। सो आपने जो भी वेट लॉस की साइंस है, बड़ी इजी है कि आपने जितनी कैलोरीज आपको चाहिए, क्योंकि आपने ज़िंदा भी तो रहना है, आपने अपने घर के काम भी करना है, क्योंकि बहुत सारी जो हैं औरतें हाउस वाइफ हैं, उन्होंने घर के काम करने हैं, उन्होंने बच्चों के काम करने हैं, उन्होंने अपने काम करने हैं, और जो औरतें काम करती हैं उन्होंने बाहर का काम भी करना है, घर का काम भी करना है। तो आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कैलोरीज की चाहिए, जो आपने अपनी रोज़मर्रा के काम करने के लिए वो कैलोरीज कंज्यूम करनी ही करनी है। उसके बाद आपने वो कैलोरीज जो आपने कैलकुलेट करनी है कि आपने कितनी आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं अकॉर्डिंग टू आपका वज़न, अकॉर्डिंग टू आपकी एज, अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट, उसके बाद आप उससे 200-300 कैलोरीज कम करते जाएं और उससे आपका वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। सो आपने दो विंडोज़ अपनी डिफ़ाइन कर लेनी है। साइंटिफिकली बहुत सारे टाइम पीरियड्स हैं कि आप कितने कितने घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं और कितने घंटे आप अपनी खाना खा सकते हैं। जो सबसे फेमस और सबसे इफ़ेक्टिव है वो 16 से 8 घंटे की है, मतलब 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और बाकी 8 घंटे आपने खाना है। अब जो उसमें जो खाना है वो आपने अपना मील खुद डिफ़ाइन करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ दो मील्स ले सकते हैं, उसमें आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी, यू आर गुड विद दोज टू मील्स। अगर आपको लगता है कि दो मील्स के साथ साथ नहीं, मुझे छोटे छोटे, अगर आपको मंचिंग का शौक है, अगर आपको बार बार भूख लगती है, तो आप अपने मील्स को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर लें। जैसे अगर आप ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं उस दौरान, दोपहर का खाना और रात का खाना, मतलब तीन मील्स कर सकते हैं, लेकिन आपने वो मील्स ऐसे डिज़ाइन करने हैं कि वो कैलोरीज के अंदर आप रहें। सो दो चीज़ें आपने करनी है, पहले तो अपना टाइम डिफाइन कर लें कि आप कितने बजे उठते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम डिफाइन कर लें। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह का टाइम रख लें और शाम तक आप अपने 8 घंटे पूरे कर लें। अगर आप लेट उठते हैं तो 12 बजे स्टार्ट कर लें और फिर उसको लेट तक ले जाएं। सो आपने खुद अपने 8 घंटे डिफाइन करने हैं कि वो कौन से 8 घंटे हैं जिसमें मैं खा सकती हूँ और वो कौन से 16 घंटे हैं जिसमें मैंने नहीं खाना। और जिसमें मैंने नहीं खाना उसमें आपने बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं बैठना, आपने उसमें पानी पीना है, आपने उसमें पानी के अंदर
आप जैसे डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, उसके अंदर खीरे डाल लें या पुदीना डाल लें. सो उसमें एक तो पानी, कुछ लोगों को सादा पानी पीने से उलझन होती है, तो आप वो डाल लें, डिटॉक्स वाटर बना लें. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, डिटॉक्स वाटर पीने से आपकी चर्बी कम नहीं होगी. डिटॉक्स वाटर इज़ जस्ट अ वाटर जिसके अंदर फ्लेवर्ड पानी है वो. तो आप पानी पीते रहें या कहवा पी लें, या जैसे दारचीनी का कहवा बना लें, अदरक का कहवा बना लें, जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. सो ऐसी चीज़ें आप खाएं. उसके बाद जो आपकी खाने वाली विंडो है, मैंने फिर बता दिया, उसके अंदर आप अपने खाने की विंडो को, जो 8 घंटे आपने खाना है उसमें अपने मील्स आप खुद डिफाइन करें कि आपने 2 में डिवाइड करना है उसको या 3 में डिवाइड करना है, दरमियान में आपने कोई स्नैक लेना है या नहीं लेना. सो ये 2 चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टू योर स्केजुअल, कि आप कितने बजे उठते हैं, आपका क्या स्केजुअल है, रात को कितने बजे सोते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर लें. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने स्केजुअल के अकॉर्डिंगली 16 और 8 घंटे डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद खाना क्या है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने 2 मील्स लेने हैं. अगर आप बार बार आपको भूख लगती है तो आप 3 मील्स में डिवाइड कर दें, दरमियान में कोई हेल्दी स्नैक ले लें. लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें आपने करनी है, आपने अपनी कैलोरीज के अंदर रहना है. मतलब इफ़ यू आर फॉलोइंग 1200 कैलोरी डाइट प्लान, तो 1200 कैलोरीज के अंदर आपने रहना है. दूसरी चीज़ है कि जो मेरे जितने भी मेरे खाने आपको नज़र आते हैं, दैट इज़ वेरी फिलिंग, बड़ी प्लेट होती है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा खाना है. 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि जब भी आप डाइट करते हैं तो कोई आपको ये नहीं कहता आपने खाना नहीं खाना. सो वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, तो हम ये करते हैं कैलोरीज कम खानी है, ये नहीं कहते कि खाना कम खाना है. क्योंकि फिर मैं वही बात कह रही हूँ कि आपने जिंदा भी तो रहना, आपने कितने काम करने हैं. जैसे मुझे अगर मैं बहुत ज़्यादा कम खाना खाऊं तो इससे मेरी हेल्थ इफेक्ट होती है, मुझे लेथार्जी होती है, मुझे ऐसा लगता है मेरे जिस्म में जान नहीं है. तो वो आपने नहीं करना, आपने अब वीक फील नहीं करना, और उसके बाद आपका मूड इफेक्ट होता है, आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो वो आपने इस चीज़ों से परहेज करना, आपने ये चीज़ें नहीं करनी. तो आपने फाके नहीं करने, आपने कम नहीं खाना, आपने बैलेंस खाना, और आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करनी है. सो जितने भी मेरे मील प्लान्स हैं उसके अंदर फाइबर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, और उसके अंदर कार्ब्स का भी एक पोर्शन होता है. सो वेन एवर यू लुक एट माई प्लेट, उसके अंदर सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होती है सैलड. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लें, अगर आपके पास नहीं है फिर आप सलाद के पत्ते ले लें, आइसबर्ग आजकल बहुत अवेलेबल है वो ले लें, केल अवेलेबल है वो ले लें, अगर कुछ भी नहीं है तो खीरे टमाटर की सैलड बना लें, वो आप इस्तेमाल कर लें. तो सैलड का पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए आपकी प्लेट में. उसके बाद नेक्स्ट मेजर पोर्शन है वो प्रोटीन का होना चाहिए. उसके बाद कुछ पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को आप अवॉइड नहीं कर सकते. सो ये 3 चीज़ों से आपने अपनी प्लेट बनानी है. तो अगर उसमें प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा है, इट डजेंट मीन कि वो खाने से आपका वेट बढ़ जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को दोबारा एड्रेस करूंगी. मैंने 2 प्लेट्स बनाई, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, और उन दोनों में प्रोटीन का पोर्शन फर्क है. बिकॉज आदमियों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए उनकी प्लेट के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है, मेरी प्लेट के अंदर प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट कम है. सो वो मेल टू फीमेल भी वेरी करता है. सो ये बात नहीं है कि वो इस तरह का खाना खाने से आपका वजन बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा. इस तरह के खाना खाने से आपका वजन कम होगा और हेल्दी तरीके से कम होगा, ना आपको कमजोरी महसूस होगी और आप एनर्जेटिक फील करेंगे. मतलब आप जो रोज़मर्रा के काम है वो आप करते रहेंगे, आपका चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा, जो खाना खाने की वजह से, जो भूख लगने की वजह से हो जाता है खाना कम खाने की वजह से, वो भी नहीं होगा. सो आपने पहली चीज़ जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है अगर, तो वो 16 से 8 घंटे की विंडो आपने खुद डिफाइन करनी है, और जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें भी जो आपने खाना है आपने खुद डिफाइन करना है कि कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, उसको स्प्लिट कर लें. मैं जो हूँ वो 3 उसको मील्स में स्प्लिट करती हूँ, ताकि मैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ कुछ खाती रहूँ, और मुझे जो है वो हंगर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो मुझे हंगर की जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग्स ना हो, और मेरा स्टमक जो है वो फुल रहे, और उसके अंदर कार्ब्स की अमाउंट भी बैलेंस होती है, प्रोटीन की अमाउंट भी बैलेंस होती है. तीसरी चीज़ जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी देर तक करनी है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है या नहीं. A study that was published in American Journal of Nutrition, I think so, या American Journal of Obesity, इन दोनों जर्नल्स में किसी जर्नल के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें उन्होंने मोटे, जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए बोला, और जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है उन्होंने रेगुलर डाइट की, और 12 वीक 12 हफ्ते का ये उन्होंने ट्रायल किया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो लोग जिन्होंने
इंटरमीडिएट फास्टिंग की है 12 हफ्ते के लिए, उन्होंने ऑन एवरेज 350 कैलोरीज कम कंज्यूम की हैं एवरेज एवरी डे. सो अगर आप अपनी कैलोरीज में 350 कैलोरीज कम रिड्यूस यूज करेंगे तो उससे आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का फायदा है वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर होती है. जो शुगर स्पाइक्स होती हैं आपकी बॉडी में या ग्लूकोज स्पाइक्स होती हैं आपकी बॉडी में वो कम होती हैं, आपको क्रेविंग्स कम होने लग जाती हैं. सो दिस वॉज माई वीडियो कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, ज़रूर करें, और इंटरमीडिएट फास्टिंग के साथ अपने प्लान्स आप खुद करें. अगर आप के पास नहीं इतनी लेवरेज कि आप अपना खाना खुद से बना सकें, मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप मील्स नहीं बना सकती, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो अपना पोर्शन कंट्रोल करें. पोर्शन कंट्रोल के ऊपर 2 कम्प्लीट वीडियोज़ मैंने शेयर की हुई हैं, लिंक भी डाउन बिलो, आप जब पढ़ लें उसको कैप्शन पे क्लिक करें. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप घर के खाने में पोर्शन कंट्रोल कर लें. लेकिन उससे क्या होगा कि नॉर्मली जो हमारे एशियन खाने हैं जो हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है. सो जब आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो जो प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन से मसल आपका मसल बिल्ड होगा या प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहता. सो इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में प्रोटीन का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. जैसे चिकन है, फिश है, एग्स है, बीफ है, आप कोई भी गोश्त का पोर्शन, अंडे, गोश्त या ऐसी सब्जियां जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है आप वो रेगुलर यूज़ करें, और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन थोड़ा सा कम करें. कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन आपने बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना, क्योंकि आपने कीटो में नहीं जाना. क्योंकि आई नो पाकिस्तानी हाउस होल्ड में या एशियन इंडिया पाकिस्तान के हाउस होल्ड में हम लोग बिल्कुल कीटो पे नहीं जा सकते, क्योंकि कीटो डाइट के लिए आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, दैट आर क्वाइट एक्सपेंसिव. सो आप खुद करें और आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन कम हो जाएगा. द साइंस ऑफ वेट लॉस इज वेरी इजी, लेकिन सारे लोग जो है उसको इस प्रॉपरली फॉलो नहीं करते. तो आपका जो साइंटिफिक तरीके से जो वजन कम करना है आप उसको फॉलो करें. और ये कोई भी मैजिक नहीं है कि आपने आज पहले दिन आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की है और अगले दिन आप कहें या एक हफ्ते बाद कहें मेरा वजन कम नहीं हो रहा, यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो आपने फैट डाइट्स नहीं करनी. फैट डाइट्स के ऊपर भी आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो, कि जो बहुत ज़्यादा लोग आजकल यूट्यूब के ऊपर भी बहुत लोग इसको कहते हैं कि जी 5 दिन के अंदर इतने किलो वजन कम कर लें, 10 दिन के अंदर इतने किलो का वजन कम कर लें. वेट लॉस टेक्स टाइम, आपको टाइम लगेगा, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगर आप साथ में वर्जिश करना चाहते हैं तो वो आप कर लें, बट आई डोंट नो, मेरे पास टाइम नहीं होता, सो आई कैन नॉट गो टू जिम, जिसकी वजह से मैं आई कम्प्लीटली रिलाई ऑन माई प्लेट. सो जब मैं खाना है उसको ही खाकर अपना वजन कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट गो टू जिम. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर आप जिम जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको अपने मील्स को ऐसे प्लान करना पड़ेगा कि आपने एक प्री एक्सरसाइज स्नैक लेना है और एक पोस्ट एक्सरसाइज भी स्नैक लेना है. सो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हैं और डेफिनेटली ये वेट लॉस करती है. और जो मेरी प्लेट्स हैं, जितने भी मैंने वेट लॉस प्लान शेयर किए हैं, दे विल नॉट इंक्रीज योर वेट, दे विल रिड्यूस योर वेट, बट स्लोली विदाउट हैविंग एनी बैड इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी क्वेरीज बताएं और बताएं कि आप किस मौजू पे और बात करना चाहते हैं. मेरी वीडियो बहुत देर से आई बिकॉज आई वॉज मूविंग समवेयर, बट आई विल ट्राई कि मैं आप कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोज़ अपलोड करूँ और आपको मोर एजुकेट करूँ अबाउट द वेट लॉस साइंस. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. बाय, अल्लाह हाफिज़.